नाजरीन, जैसे कि मैं मौजूद हूँ, ये रास्ता जो है वो मोटरवे को जाता है। यहाँ से छात्रा मोड़ है, छात्रा मोड़ से आगे इंटरचेंज है और यहाँ पे कंटेनर्स जो हैं वो नस्ब किए गए हैं और आमदर अब जो है वो शहरियों की जारी है। लोग जो हैं वो पैदल सफ़र करके एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोगों ने अपने काम काज के लिए निकलना है, काम पर भी जाना है, मुख्तलिफ मकाम पर मुंतकिल होना है। और यहाँ पे आपको मैं ये मनाजर जो है वो दिखाते चलूँगी, मेरे बैकग्राउंड पे आप मनाजर देख सकते हैं, ये आपको मनाजर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सख्त हिफाजती इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। किसी भी मकसद के यहाँ पर जब मैं पहुँचा तो मेरी बात हुई तो कहना यह था कि यहाँ पर जो फोर्सेज मौजूद हैं उनका कि हमने कोशिश जारी है कि लोगों को किसी किस्म यहाँ पे इमलाक को नुकसान जो है वो ना पहुँचे और कोई भी शर पसंदी जो है वो ना हो। मजीद जो शहरी हैं इस हवाले से उनसे भी जो है वो बात करते हैं, शहरी जो हैं वो क्या कहते हैं। अच्छा, आप बताएं कि आपको क्या मुश्किल हैं यहाँ पे एहतजाज के पेश नज़र जो कंटेनर्स वगैरह लगाए गए हैं? ये एहतजाज नहीं है, सिर्फ जुलम है, ठीक है। हमने दवाई लेने जाना है, बल्कि दिहाड़े की तरफ हमें गुजरने नहीं दे रहा, रिक्वेस्ट भी कर दी है और हमें गुजरने नहीं दे रहा। और इस मुल्क में कोई ऐसा हादसा नमूदार होगा जो कि नाकाबिले तलाफी होगा, हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं। हमको दहशतगर्द नहीं है, हमको मुजर नहीं रखा हुआ, मेरे साथ फैमिली है। अच्छा यार जी नाजिन, मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये रावी पुल है और यहाँ पर कंटेनर जो हैं वो लगाए गए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो इस रावी पुल से दूसरी जगह मुंतकिल जो है वो होने की कोशिश में जो है वो लगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त हम ये आपको लाइव मनाजिर जो हैं वो दिखा रहे हैं, कंटेनर जो हैं वो बड़ी तादाद में इस पुल के ऊपर जो है वो लगाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे मैं आपको आगाह करूँगा कि इस वक्त क्या इस वक्त मुल्की हालात हैं। हालात कुछ यूँ हैं कि जो तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र जो है वो तमाम शहरों के जुड़वा शहरों के जो हैं वो दाखिली खारजी रास्ते बंद किए गए हैं। लाहौर, फैसलाबाद, पंजाब के अगर हम बड़े शहरों की बात करें, इस्लामाबाद को जाने वाले जो तमाम रास्ते हैं उनको बंद किया गया है। किसी भी जो है वो क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि हम किसी भी शहर पसंद को जो है वो इजाज़त नहीं देते हैं कि इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाए। और ख्वाजा आसिफ जो हैं उनका ये कहना है कि हम जो जत्थे होंगे उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल हों, और अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो फिर हम लोग भी जो हैं वो मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। हुकूमत की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं और कंटेनर्स लगाकर दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों के इस्लामाबाद जाने वाले जो रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवेज़ को जो है वो बंद किया गया है। और तहरीक इंसाफ के अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ के KPK के वज़ीर आला जो अली अमीन गंडापुर हैं वो ये कहते हैं जी कि वो एहतजाज की कॉल पर निकले हैं और वो अपने आबारी तहरीक इंसाफ की कॉल पर जो है वो आज एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचकर जो है वो अपने मुतालबात के हक़ में अपना धरना जो है वो वहां पर देंगे और एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे। ये जो है वो जबकि इस हवाले से अगर हम बात करें वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी जो हैं वो ये कहते हैं कि मैंने खबरदार किया है और इस हवाले से जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मैं कह चुका हूं कि किसी सूरत में भी इजाज़त आपको नहीं दी जाएगी एहतजाज करने की, धरने की कहीं भी आपको इजाज़त जो है वो हुकूमत की जानिब से बिल्कुल भी नहीं दी गई है। यहाँ अगर हम बात करें मुख्तलिफ जो शहर हैं उनकी जो अहम शहराएँ हैं वहाँ पर कंटेनर्स जो हैं वो लगाए गए हैं और एहतजाज को रोकने के लिए हर तरह की जो हुकूमत की जानिब से जो तैयारी है वो मुकम्मल की गई है कि एहतजाज जो है उसको नहीं होने दिया जाएगा और कंटेनर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जो दाखिली और खारजी रास्तों के अलावा जो अहम जो शाहरा हैं उनको भी सील कर दिया गया है। कंटेनर्स ही कंटेनर्स जो हैं वो लगाए गए हैं और पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो भारी नफरी है वो मौजूद है और पुलिस का ही कहना है कि किसी को भी अमन को ख़राब करने की कोशिश जो है वो नहीं करने देंगे, इमलाक को नुकसान जो है वो नहीं पहुँचाने देंगे। और इस वक्त एहतजाज को रोकने के लिए जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल हैं। और अगर मैं इस वक्त अगर हम बात करूं तो मैं उस जगह उस पॉइंट पे खड़ा हूं जहां से यहां से ही इस्लामाबाद को रास्ता जो है वो जाता है और उसे मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद किया गया है। और पुलिस का ये कहना है कि किसी सूरत में भी कोई भी यहां से गाड़ी जो है वो नहीं जाएगी। कल की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो कल भी जो है वो तमाम जो बस टर्मिनल थे वो बंद थे और वहाँ
अगर हाँ आवाम की अगर हम बात करें तो आम पब्लिक जो है उनको जाहिर सी बात है मुश्किलात का सामना है, आमतौर पर काफ़ी जो है वो परेशानी है, और लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो खोले गए हैं ताकि लोगों को आमतौर पर परेशानी ना हो और वो आसानी से जो है वो अपन गुजर सकें और अपनी मंजिल को जो है वो जा सकें। चंद मतलब बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पर छोटे मकाम पर जो हैं वहाँ पर यह सहूलत जो है वो दी गई है। अब बात करेंगे कि सिक्योरिटी के इंतजाम की, तो सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो फुल प्रूफ बनाए गए हैं ताकि कोई भी शरपसंदी जो है वो ना हो। शरपसंद अनासर की जो है वो कड़ी निगरानी जो है वो की जा रही है। किसी भी जो है वो नागानी सूरत से निपटने के लिए तमाम तर जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं, सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। और अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखें एहतजाज आप जो भी मर्जी पार्टी का कोई कारकुन करे, कोई भी एहतजाज सियासी जमात हो, लेकिन आपका जो मुल्क होता है वो आपका अपना घर होता है, आपने अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। बहरहाल अभी के जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं उससे मैं आपको आगाह कर रहा हूं, और जगह जगह जो कंटेनर्स हैं वो लगाए गए हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर मेरे आपका में आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जो लोग हैं वो बाइक्स या रिक्शा जो है उस पर सवार होकर एक से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं, और उन्हें परेशानी नहीं है। लेकिन जो बड़ी ट्रैफिक है जिसमें कारें हैं, बसेस हैं या ट्रक्स हैं, उनको मुकम्मल तौर पे जो है वो क्योंकि वो बंद है इस वजह से, क्योंकि